नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, UPPCL JEE और UPPCL के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, उनकी जो तैयारी कर रहे एस्पिरेंट हैं, उनके लिए एक दुखद खबर है, क्योंकि इस वैकेंसी का जो प्रक्रिया है वो UP SSC के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। आज ही ये पब्लिक किया गया है नोटिस, तो आप देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर आप दिनांक देख लीजिए, 7 अगस्त 2024। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समूह ख एवं ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही शीघ्रता से सुनिश्चित किए जाने हेतु सीधी भर्ती की रिक्तियों के अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि ए की वैकेंसी होती है, वो UPPSC के द्वारा और JEE और समूह ग और समूह ख की जो भी वैकेंसी है वो UP SSC के द्वारा, खासतौर से JEE और टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रेषित किए जाने हेतु अधियाचन पोर्टल विकसित किया गया है, अर्थात पोर्टल का भी निर्माण कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अधियाचन मांगा गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत ई अधियाचन पोर्टल हेतु श्री अनिल कुमार निगम संयुक्त सचिव और राजपत्रित उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ, ये मेल ID भी दिया गया है। और यहाँ पर जो प्रतिलिपि जिनको प्रेषित की गई है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है कि वर्णित किया गया है। तो जो भी UPPCL एस्पिरेंट हैं, उनके लिए एक दुखदायी खबर है, क्योंकि UP SSC के माध्यम से जो भी भर्ती प्रक्रिया चलती है, ये मान के चलिए कि पंचवर्षीय योजना में तो पहुंच ही जाती है। तो आपका भविष्य अब कहाँ जाने वाला है, सरकार ने ये तय कर दिया है, पहले से जो निर्धारित प्रक्रिया थी उसको बाधित करते हुए। तो यही एक दुखद सूचना है जो आप तक पहुँचाना नितांत आवश्यक था। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।